हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, पिछले हफ्ते आरबीआई ने रिसेंटली एक मास्टर गाइडलाइंस जारी की है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए, जिसमें ना सिर्फ बैंक शामिल है बल्कि एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी शामिल है जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू करते हैं। इन गाइडलाइंस के द्वारा क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया गया है और बैंक और क्रेडिट कार्ड इश्यूअर और कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में उन गाइडलाइंस के जो हिस्से आपको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं, जिसका बेनिफिट एज क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स आपको डायरेक्टली मिलने वाला है, उनको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन काम की ही मिलेगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और एक और बात, स्पेंड वाइजली अब इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर क्विकली 1 मिनट में क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि गाइडलाइंस इतनी डिटेल्ड है कि मैंने जो गाइडलाइंस जिस पॉइंट से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंगली इसको कैटेगराइज किया है। ये 5 पार्ट है कार्ड इश्यूएंस, जिसमें मैंने कार्ड इश्यूएंस से रिलेटेड जो गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी की है वो मैं उसमें बताऊंगा। इसके बाद कार्ड चार्जेस और पेमेंट, वो मैंने इंक्लूड किया है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कार्ड क्लोजर से रिलेटेड गाइडलाइंस। चौथा भाग में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉडुलेंट कार्ड मिसयूज से रिलेटेड गाइडलाइंस। और पांचवें पार्ट में रिकवरी ऑफ ड्यूज को मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो कार्ड इश्यूएंस से रिलेटेड जो पहली गाइडलाइन है वो ये है कि कार्ड एप्लीकेशन के टाइम पे, मतलब जब आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो आपको 1 पेज में एक क्लियर कट वे में कार्ड इश्यूअर को आपको बताना होगा कि इस कार्ड के क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए एज कार्ड एप्लीकेंट, वो आपको सिर्फ 1 पेज में, ना कि एक डिटेल बड़े से पुलिंदे में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि आपको कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी आप कार्ड जब अप्लाई करते हैं तब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जब कार्ड आपके पास आ जाता है तो उसके साथ एक डिटेल डॉक्यूमेंट में आपको छोटे छोटे अक्षरों में ये इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। अब सिर्फ 1 पेज डॉक्यूमेंट में आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी कार्ड अप्लाई करने के टाइम पर ही। दूसरी जो गाइडलाइन है वो ये है कि जब कार्ड अप्लाई करने के बाद कार्ड इश्यू हो जाता है, तो जब तक कस्टमर उस कार्ड को एक्टिवेट नहीं करता है तब तक ये कार्ड इश्यूअर जो है आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरोज मतलब सिबिल जैसी एजेंसियों को नहीं दे सकती है। अभी क्या होता है कि जैसे कार्ड इश्यू हुआ, आपने कार्ड एक्टिवेट किया नहीं किया, चाहे एक बार भी यूज नहीं किया, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सिबिल को पहुंच जाती है, और जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट हो सकता है। तीसरी गाइडलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल है, वो है कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्शन को लेके। दोस्तों, अभी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तब आपको पता नहीं चलता है कि किस बेसिस पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। बहुत बार अच्छा क्रेडिट स्कोर होते हुए भी, अच्छी इनकम होते हुए भी कार्ड एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। अब ये रूल बना दिया आरबीआई ने कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन कोई बैंक या कार्ड इश्यूअर रिजेक्ट करता है तो आपको क्लियर शब्दों में उससे बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है। चौथी जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर कोई कार्ड इश्यूअर अगर आपको बिना किसी रिक्वेस्ट के खुद से कोई कार्ड इश्यू करता है और उससे कोई आपको चार्ज लगता है, तो वो चार्ज ना केवल उनको रिवर्स करना होगा, बट जितना चार्ज उन्होंने रिवर्स किया है उसका डबल पेनल्टी के तौर पे कार्ड इश्यूअर को आपको पे करना होगा। और पांचवा गाइडलाइन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। इस तरह का बिना मर्जी के अगर किसी बैंक या एनबीएफसी ने आपको कार्ड इश्यू किया है और उस कार्ड से कोई फ्रॉड होता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कार्ड इश्यूअर की रहेगी, ना कि कस्टमर की। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में, जो है कार्ड चार्जेस और पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कम से कम डेडलाइन से 15 दिन पहले कस्टमर्स के पास पहुंचाना होगा। मतलब ये नहीं कि आज उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड का बिल दिया और बोला कि परसों तक पेमेंट कर देना, नहीं तो इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। अगली जो गाइडलाइन है वो ये है कि दोस्तों, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक मैसेज आता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन किसी फ्रॉड ने किया है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसको आपने रिपोर्ट किया है, डिस्प्यूट में डाला है, जब तक उस डिस्प्यूट का पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं निकल जाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी वो चार्जेस आपसे नहीं वसूल कर सकती है।
अगली जो गाइडलाइन है वो ये है कि दोस्तों जो आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है किसी कारणवश या भूलवश आपने उस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर लिया, तो आज की सिचुएशन में बहुत कार्ड जो है वो अलाउ करते हैं। मतलब आपको 1 लाख की लिमिट मिली हुई है और आपने वो लिमिट क्रॉस भी कर ली, तभी कई क्रेडिट कार्ड जो है आपको अलाउ करते हैं उस लिमिट को क्रॉस करने पर, और आपको उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं कि आपको जो क्रेडिट लिमिट मिली हुई है उससे ज्यादा आपने खर्च किया है। बट इन नए गाइडलाइंस के तहत कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ये नहीं कर पाएगी, जो आपकी लिमिट है उससे बियॉन्ड आप उसको ब्रीच नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा कुछ करवाना है किसी बैंक को तो आपका अप्रूवल उसमें लेना होगा। अगली जो गाइडलाइन है वो और भी ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। अभी क्या होता है कि आपने कोई ऑर्डर किया किसी प्रोडक्ट का किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट से, और उसमें आप कई बार रिटर्न भी करते हैं। ऑर्डर करते ही 2-4 दिन के बाद में आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, और स्टेटमेंट में वो जो ऑर्डर किया है उसका अमाउंट भी रहता है। बट स्टेटमेंट जनरेशन के बाद में अगर वो प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर दिया तो उसका रिफंड तो कार्ड में आ जाता है, बट स्टेटमेंट में जितना अमाउंट है पूरा के पूरा अमाउंट आपको पे करना ही होता है। जो रिफंड आया है उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी पेमेंट नहीं मानती है, उसको अगले स्टेटमेंट में एडजस्ट करती है। मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए का बिल आया है और 1 लाख रुपए में 10,000 का जो आपने शॉपिंग किया था वो प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर दिया और मर्चेंट ने उसको रिवर्स कर लिया, मतलब वो पैसा रिफंड आ गया, तो 1 लाख का जो आपको बिल है उसकी जगह आपको 90,000 आइडियली पे करने चाहिए। बट क्रेडिट कार्ड कंपनी ये नहीं अलाउ करती, आपको बोलती है पूरा 1 लाख पे करो, 10,000 जो रिफंड आया है अगली बार के स्टेटमेंट में वो एडजस्ट करेंगे। बट अब ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, अगर स्टेटमेंट जनरेशन के बाद में और पेमेंट डेट से पहले कोई भी रिफंड आता है तो फाइनल पेमेंट में वो एडजस्ट होगा। मतलब 1 लाख का आपका बिल अमाउंट है और बिल जनरेशन के बाद में 10,000 रुपए का मान लो कोई रिफंड आ गया तो आपको सिर्फ 90,000 ही पे करना है, पूरा 1 लाख नहीं पे करना है। और मान लो आपने 1 लाख का बिल आया और आपने पूरा का पूरा 1 लाख का बिल पे कर दिया और उसके बाद कोई अगर रिफंड आता है तो वो रिफंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। ऐसा नहीं कि वो रिफंड जो है क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने पास रख ले और आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसमें वो ऐड कर ले, ऐसा करती है। मतलब आपने आपका 10 कोई रिफंड आया उस रिफंड को आपको रिटर्न ना करके अपने पास ही रख लेती है और आपका क्रेडिट लिमिट एक्स्ट्रा टेम्पररी रूप से बढ़ा देती है। वो भी अब पॉसिबल नहीं होगा जब तक कस्टमर का कोई अप्रूवल इस पे नहीं है। तो अगली जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर कोई कंपनी या कोई NBFC बैंक या बैंक आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं हो सकते हैं। अगर उसमें कोई चार्जेस है तो बैंक को आपको क्लियरली बताना होगा। इसके अलावा कार्ड इश्यूअर को मतलब क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं, मतलब जिस तरह की भी जितने भी इंटरेस्ट रेट्स है या कैश विड्रॉल पे अगर कोई इंटरेस्ट लगता है, कैश विड्रॉल पे कोई चार्जेस लगते हैं या लेट पेमेंट लगता है, लेट पेमेंट पर जो चार्जेस लगते हैं, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने पर क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, वो सारा उनको अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन करना होगा। अब आते हैं तीसरे सेक्शन में जो है कार्ड क्लोजर। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन अभी सिर्फ कस्टमर केयर पर ही अवेलेबल है, बट इन नई गाइडलाइंस के बाद वो ऑप्शन हर बैंक को अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर देना होगा। यही नहीं, एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी भी देना होगा जिस पर सिर्फ एक ईमेल करके आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो क्लोज करवा पाएंगे। कस्टमर केयर पर तो वो ऑप्शन अवेलेबल होगा ही, मतलब क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप उसको कभी भी क्लोज करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका कोई उसमें ड्यू नहीं है। अगर कोई बैंक या NBFC आपके रिक्वेस्ट को 7 दिन में नहीं मानती, मतलब 7 दिन में आपका क्रेडिट कार्ड नहीं क्लोज होता है, तो हर एक्स्ट्रा दिन के लिए उनको 500 रुपये आपको पेनल्टी पे करना होगा। अगली गाइडलाइन ये है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड किसी कस्टमर ने 1 साल तक अगर नहीं यूज किया है तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को एक मैसेज भेजना होगा अपने कस्टमर को कि ये क्रेडिट कार्ड जो है 1 साल से नहीं यूज हुआ है और इसको वो अगले 30 दिन में बंद करने वाले हैं। अगर 30 दिन में कस्टमर से कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो वो क्रेडिट कार्ड जो है बैंक को या NBFC को बंद करना होगा, वो उसको ऐसे चालू नहीं रख सकते ताकि कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे उस कार्ड के लिए जो उन्होंने यूज करना ही बंद कर दिया है। अब अगली जो गाइडलाइन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें RBI ने बोला है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी भी तरह के चार्जेस में परिवर्तन करती है, मतलब कोई भी चार्जेस बढ़ाती है घटाती है, तो उनको कम से कम 30 दिन पहले अपने कस्टमर्स को बताना होगा। और इस 30 दिन के पीरियड में अगर कोई कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड को सरेंडर करना चाहता है या बंद कराना चाहता है तो उसको वो ऑप्शन दिया जाएगा और फ्री ऑफ चार्ज वो जो है अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकता है। मतलब अगर कोई चार्ज बढ़ता है, कोई टर्म्स चेंज होते हैं किसी क्रेडिट कार्ड के, तो कस्टमर के पास 30 दिन का समय रहेगा, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसको वो कार्ड कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब आते हैं इस वीडियो के चौथे सेक्शन में जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या मिसयूज ऑफ कार्ड
को लेके। इसमें जो पहली गाइडलाइन है वो ये है कि हर बैंक या एनबीएफसी को अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को एक ऑप्शन देना होगा कि वो एक इंश्योरेंस ले सके, जिससे उनके कार्ड में कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है और उससे कोई लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस के द्वारा कवर हो सके। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी जो भी इन्फॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करती है अपने कस्टमर से उस क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने के लिए, वो डेटा वो क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकती जब तक कि एक क्लियर एक्सप्लिसिट अप्रूवल ना हो कस्टमर का। और कई क्रेडिट कार्ड कस्टमर को क्रेडिट कार्ड मिलता है नया और 30 दिन तक अगर वो एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब कस्टमर ने 30 दिन तक उस कार्ड को नहीं एक्टिवेट किया है, तो 30 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनीज को एक ओटीपी भेजना होगा कस्टमर को। उस ओटीपी के जरिए अगर कस्टमर कंफर्म करता है कि उसको वो कार्ड एक्टिवेट करना है तभी वो कार्ड एक्टिवेट होगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को वो कार्ड जो है वो बंद करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड किसी को इश्यू हुआ है और कस्टमर ने उसको 30 दिन तक नहीं एक्टिवेट किया तो हो सकता है कि वो कार्ड कस्टमर को मिला ही नहीं हो, किसी और के पास हो। ऐसी सिचुएशन में ये प्रोविजन दिया है कि बिना ओटीपी कंफर्मेशन के कोई भी कार्ड एक्टिवेट नहीं किया जाएगा और उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। और एक पॉइंट जो मैं चार्जेस और पेमेंट में बताना भूल गया वो है ईएमआई से रिलेटेड। तो दोस्तों जब भी कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करती है तो उसे अपने कस्टमर्स को बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताना होगा कि उसमें क्या इंटरेस्ट लगने वाला है, क्या प्रोसेसिंग फी लगने वाली है, क्या चार्जेस लगने वाले हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में जो कस्टमर्स को आजकल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन, उसमें भी उनको बताना होगा कि कितना अपफ्रंट डिस्काउंट है और कितना एक्चुअल इंटरेस्ट लगने वाला है। मतलब अपफ्रंट डिस्काउंट को इंटरेस्ट के रूप में के साथ एडजस्ट करके वो ये नहीं बोल सकते कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है, उनको हर चीज बहुत क्लियर टर्म में बतानी होगी कि क्या कॉस्ट लगने वाली है कस्टमर्स को। और अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम सेक्शन में जो है रिकवरीज और ड्यू के रूप में। दोस्तों क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है कि गलती से अगर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे नहीं हुआ और आपके रिकवरीज है, या मान लो किसी कारणवश आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पाए और आपके ड्यूज है, तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो आपसे बदतमीजी करती है, आपके घर पे आते हैं और फोर्सफुली से आपके परिवार से बात करते हैं या फिर पब्लिक में आपको ह्यूमिलेट करते हैं, इस तरह के केसेस भी सुनने में आते हैं। अब कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर इस तरह की काम नहीं कर पाएगा, रिकवरी का एक क्लियर प्रोसेस उन्होंने बताया है। इस तरह के जो ह्यूमिलेशन वाला इंटिमिडेशन वाला जो प्रोसेस है वो कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर जो है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स को जारी की है। ये गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी और इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी स्पेंड वाइजली का ये जो हैंडल है इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।